नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम यहाँ पर सीखेंगे लाइट कलर के मिक्सिंग के बारे में। ये लाइट कलर की जो मिक्सिंग होती है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इस एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जनरली हम उसका गलत जवाब देते हैं अगर हमने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा हुआ है उनका कभी भी गलत नहीं होता है। और पढ़ने के बाद भी इसमें एक समस्या है कि ये चीज़ें भूल जाती हैं समय के साथ, क्योंकि इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान रखते नहीं हैं। और जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलर से रिलेटेड, उनको बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, अगर पेंटर वगैरह नहीं है तो उनसे ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसमें आज हम यहाँ पर आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आपको कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं भूलेगा। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर बेसिक साइंस आती है तो उस बेसिक साइंस में आपका जो मेन पार्ट होता है वो 10th लेवल तक का साइंस उसमें पूछा जाता है। तो 10th तक के साइंस में जो लाइट है, कलर ऑफ लाइट है, उनकी मिक्सिंग उसमें दी गई है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन ये जो टॉपिक है 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जो यहाँ पर ट्रिक बताऊँगा आपको वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी आने वाले भविष्य में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, और उन 3 प्राइमरी कलर्स को यूज करके और जितने भी सारे कलर आप जानते हैं या जितने भी पॉसिबल कलर हैं उन सभी कलर्स को बनाया जा सकता है। तो जो मेन मुख्य 3 कलर रिक्वायर्ड होता है, अगर ये 3 कलर में से कोई भी एक कलर गायब होता है तो आप सारे कलर्स का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर ये 3 कलर अवेलेबल हैं तो आपको सारे कलर, जितने भी कलर होते हैं वो सब आप उनको बना सकते हैं। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में भी या कोई भी जो डिस्प्ले डिवाइस होती है उसमें मेन रूप से 3 कलर की स्ट्रिप, जैसे जो पुरानी CRT टीवी आती थी, कलर टीवी, उसमें आपको 3 तरह की स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता था, जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की स्ट्रिप होती थी, और उसी से आपको कलर टीवी में सभी कलर दिखते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो मेन 3 जो प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं RGB, ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो लाइट होती है, लाइट के केस में। जो पेंट होता है, पेंट के केस में थोड़ा अलग होता है, लाइट के केस में यहाँ पर होता है RGB। मैं पेंट की बात यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पर आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो सिर्फ आप लाइट का ध्यान रखिए, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन लाइट से ही होते हैं, और एक आध क्वेश्चन जो पेंट से होता है उसको हम यहाँ पर एक डिस्कस करेंगे, आपको क्वेश्चन बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि 3 प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, रेड को हम सबसे ऊपर रख लेते हैं, ब्लू को यहाँ रख लेते हैं और ग्रीन को हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, पहले हम आपको बता दें इसको, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। जब हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं, यानी रेड और ब्लू को मिक्स करते हैं, हमने इस कलर को लिया और हमने इस कलर को लिया, जब दोनों को मिक्स किया तो हमें जो कलर प्राप्त होता है वो इस तरह का कलर होता है, और इस कलर का नाम होता है मैजेंटा कलर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर येलो कलर प्राप्त होता है, और सेम उसी तरीके से अगर ब्लू और ग्रीन को मिक्स किया जाता है तो यहाँ पर क्यान कलर प्राप्त होता है, जो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और अगर ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों को मिक्स कर दें तो जो कलर प्राप्त होता है वो वाइट कलर का होता है, यानी प्रकाश के जो जितने भी जो किरण है वो तीनों को अगर एक जगह पर फोकस किया जाए तो वाइट कलर की लाइट यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, हम यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं, जैसे रेड और ब्लू को मिक्स किए, तो जो कलर प्राप्त हुआ उसे मैजेंटा, और यहाँ पर जो क्यान उसी तरीके से येलो। तो जो CYM क्यान येलो मैजेंटा, ठीक है, ये जो कलर हैं इनको कहा जाता है सेकेंडरी कलर। ठीक है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी कलर। तो आपको एग्जाम में इससे भी पूछा जाता है कि प्राइमरी कलर कौन से हैं और सेकेंडरी कलर कौन से हैं, तो CYM यहाँ पर होंगे सेकेंडरी कलर। और साथ ही साथ अगर सेकेंडरी और प्राइमरी को पुनः मिलाया जाता है, यानी यहाँ पर अगर येलो और रेड को वापस में मिलाया जाए, तो उस कंडीशन में आपको टर्शरी कलर यानी
जो यहाँ पर क्या होगा टर्शरी कलर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन टर्शरी से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है प्राइमरी और सेकेंडरी से। सबसे पहला जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है होता है प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, और फिर उसके बाद पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सेकेंडरी कलर कौन सा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आइए हम अब इसको याद रखने की ट्रिक देखते हैं। ये जनरली भूल जाता है, तो उस चीज़ को ना भूले वो हम क्या उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसके लिए ट्रिक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो रेड कलर है, ठीक है, और जो बी है और जी है, तो इसको रिलेट करते हैं कुछ शब्दों से। बी ब्लू को हम रिलेट कर सकते हैं वॉयस से, ठीक है, जो एक इजी वर्ड है, सबसे पहले सीखा जाता है। और ग्रीन यहाँ पर जी शब्द है, जी को रिलेट कर लेते हैं गर्ल्स से, ठीक है, ये आसान है, बॉयस और गर्ल्स से, ठीक है, बॉयस और गर्ल्स से। और जो आर शब्द है पर्टिकुलर, इसको हम मान लेते हैं कि कोई भी एक कोचिंग है। अगर आप किसी कोचिंग का नाम आर से जानते हैं तो आप उसको रख सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप सपोज कर सकते हैं रिजोनेंस, ठीक है, रिजोनेंस एक कोचिंग है आईआईटी की, जो आईआईटी में बच्चे जाते हैं, कोटा में इसकी कोचिंग है, और भी कई जगह इंदौर वगैरह में कई जगह इसकी रिजोनेंस के ब्रांचेस भी हैं। तो इस रिजोनेंस में जो बॉयस होते हैं और गर्ल्स होते हैं वो कोचिंग करने जाते हैं। बस इतनी सी ट्रिक है। अब इससे आगे जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ से रिलेट करेंगे। तो जो अगर सबसे पहली चीज़ जो हो गई, बॉयज़ और गर्ल्स क्या होते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या करने जाते हैं, वो ज्ञान लेने जाते हैं, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए वो जाते हैं कोचिंग में, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ज्ञान लेने जाते हैं कहाँ, कोचिंग में, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों ज्ञान लेने जाएंगे कोचिंग में, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि अगर पर्टिकुलर बॉयज़ की बात की जाए, बॉयज अगर हमने सबसे पहला देख लिया कि दोनों अगर जाएंगे तो ज्ञान लेने जाएंगे, और सेपरेटली देखते हैं कि ज्ञान के बाद का जो उनका पर्पस है, इंडिविजुअल पर्पस है, किस लिए वो ज्ञान लेने जाएंगे। तो बॉयज की बात करते हैं, तो बॉयज रिजोनेंस कोचिंग में जाते हैं जेंटलमैन बनने के लिए। क्या बनने के लिए, जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी अच्छा आदमी बनने के लिए, यानी यहाँ पर देखिए जेंटा, जेंटा शब्द से आ गया जेंटल, तो मैजेंटा, जेंटा मैजेंटा, जेंटल से जेंटा, जेंटा से मैजेंटा। तो आपको याद हो जाएगा कि बॉयस रिजोनेंस में जाते हैं, यानी ब्लू रेड में मिलता है तो मैजेंटा कलर बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो कोचिंग यहाँ पर क्यों जाती हैं, यहाँ पर कोचिंग जाती हैं कि देखिए जो लड़कियाँ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद था भविष्य में, गोल्ड। क्या पसंद था, गोल्ड, यानी भविष्य में वो अपनी इनकम जनरेट करने के बाद उनका पर्पस क्या होता है, क्या खरीदने का, सोना खरीदने का। और सोना किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो ये कोचिंग जाएंगी गोल्ड खरीदने के लिए, यानी सोना, यानी येलो कलर का। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, बॉयज़ जाएंगी कोचिंग जेंटलमैन बनने के लिए, गर्ल्स जाएंगी कोचिंग सोना खरीदने के लिए, और अगर दोनों जाएंगे आपस में तो जाएंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो व्हाइट कलर है, इसको आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा कि जब सभी कलर यहाँ पर प्राइमरी कलर्स मिलते हैं तो फाइनल कलर व्हाइट कलर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, तो इसको आपको मेन ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। और आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन से कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर के रूप में कौन से कलर जाने जाते हैं। तो तीन कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर होते हैं, कौन कौन से, आर बी जी, यानी रेड ग्रीन और ब्लू, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, प्राइमरी कलर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि आप यही आंसर देंगे, क्योंकि जो 10th क्लास की जो बेसिक साइंस है उसमें लाइट जो है वो मेन चैप्टर भी है, और यही उसमें इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरलैपिंग ऑफ टू प्राइमरी कलर्स फॉर्म है, यानी अगर दो प्राइमरी कलर का ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा कलर बनता है, तो उस कंडीशन में एक सेकेंडरी कलर बनता है, ठीक है, और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी मिलेंगे तो उस कंडीशन में टर्शरी कलर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन रेड एंड ब्लू आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म, जब रेड और ब्लू कलर बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि ब्लू मतलब बॉयज, रेड मतलब रिजोनेंस, तो बॉयज रिजोनेंस में जाएंगे किस लिए, जेंटलमैन बनने के लिए, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रेड ग्रीन एंड ब्लू आर मिक्स टुगेदर, यानी
रेड ग्रीन ब्लू यानी तीनों प्राइमरी कलर अगर मिला दिए जाते हैं तो कौन सा कलर लाइट का बनेगा, तो उस कंडीशन में वाइट कलर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि टू फॉर्म अदर कलर लाइक ब्राउन पीच पर्पल इटीसी कलर दैट आर रिक्वायर आर, यानी आपको कई सारे कलर ऑप्शन में दे दिए गए हैं, फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा कलर आपको रिक्वायर्ड होगा, तो उस सिचुएशन में जो आपको कलर रिक्वायर्ड होगा वो सेम वही कलर होंगे जो बेसिक कलर होते हैं, वो हो गए RGB यानी रेड ग्रीन एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होगा, हमने रिपीट किया हुआ है RGB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपको अगर वहाँ पर, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है जो पेंट के केस में पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को आपको ज़रा सा ध्यान में रखना है कि पिगमेंट यानी जो पेंट वगैरह होते हैं उनके कंडीशन में जो आंसर होगा वो थोड़ा सा आपका डिफरेंस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में होगा रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है, रेड येलो एंड ब्लू ये कलर हो जाता है पेंट और पिगमेंट के केस में, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेसिक कलर के केस में, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और जो कलर्स ऑफ लाइट है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है आप इसको कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो और ट्रिक अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही कई सारे ट्रिक हैं जो मेन एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आपने एक बार देख लिया और इसको इस्तेमाल कर लिया तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बार बार इसको रिपीट और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ऐसी ही बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।